जो ना पाकिस्तान ने हथी बोल लगाई है, मन मन की हथी लगाई है पाकिस्तान प्लेयर। देखे ना जिम्बाब्वे के खिलाफ यार 200 स्कोर खा गए ना, मैच चल रहा था, मुझे तो लग रहा है क्रिकेट कम और स्लेजिंग ज्यादा चल रही है। चले चले ला दिया पेट कमेंट, समझ नहीं आ रही कहां बोल करे, उनसे विकेट नहीं ले जा रही। और उसके स्टेटमेंट देखो, दुनिया का एशिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया का गुरूर तोड़ा है, ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में होम ग्राउंड में शिकस्त दिया है। अरे और जा रहे हैं बुमराह से, ठीक है वही बस खाली विकेट छोड़ी हुई है। जसवाल जिस तरह कमाल इनिंग के लिए 161 रन, उसके बाद विराट कोहली का 100। देखे ना ये टीम होती है, मतलब सर बात करने जा रहे थे आपको, जिस तरह इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ और आज इंडिया ने विन कर दिया, 295 से इंडिया ने अपना विन किया। और सर आप बात करें, इंडिया मुसलसल अपनी रैंकिंग में WTC में अभी मुसलसल एक पहले नंबर पे रैंकिंग में है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं बड़ी बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया ये मैच विन करे और रैंकिंग 1 पे आ जाएगी, मगर इंडिया ने मुसलसल WTC में पहले नंबर पे ही है। क्या कहना चाहेंगे आज उनके मैच के वजह से, उनकी बॉलिंग बैटिंग और WTC में पहले नंबर पे है वो? बिल्कुल यार, इन्होंने शानदार क्रिकेट खेली है, मैं ये कहना चाहूँगा। इसके अलावा देखिए ना, जितना फ्रंट से लीड किया डे वन से लेकर डे फोर तक डोमिनेट करता ही है इंडिया। देखिए ना ऑस्ट्रेलिया इज़ अ बिग टीम, लेकिन उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। यशवी जायसवाल ने जिस तरह कमाल इनिंग के लिए 161 रन, उसके बाद विराट कोहली का 100। देखे ना ये टीम होती है, मतलब कि लड़ रही है और चारों दिन उन्होंने फाइट किया, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने एक दिन भी डोमिनेट करने नहीं दिया। यार जायसवाल ने जिस तरह स्टार्क को हिटिंग की है, वो स्टार्क को मतलब स्लेज किया, उन्होंने कहा यार तुम्हारा बॉल बहुत स्लो आ रहा है, बोला कि 161 रन, 22 साल का लड़का, स्टार्क का 20 साल का तजर्बा है। लेकिन जायसवाल जो एक 20-22 साल का प्लेयर है, ठीक है, IPL का टैलेंट, यार कमाल हिटिंग किया 161 एज अ ओपनर, वो भी पर्थ के ग्राउंड में। ऑस्ट्रेलिया आज तक पर्थ में कोई मैच नहीं हारा 5 मैचों में, लेकिन इंडिया ने उन्हें हराया। और इसके अलावा आप देखें ना, विराट कोहली का 100 था, किया राहुल, उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की, नीचे से नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है, जो कि नया डेब्यू था, उसने दोनों मैचों में 30-40 स्कोर ऐड किया, जो कि टीम के लिए बड़ा मायने रखता है। जसप्रीत बुमराह का स्पेल देख ले, 5 आउट कर गए वो, ठीक है, उसके बाद सिराज ने भी आउट किया। और यार बुमराह की बोल तो स्मिथ को पल्ले नहीं थी पड़ी, देखे ना एंगलिंग इन बुमराह बॉल करता, इवन कि बुमराह के पास देखे ना रनअप उसका बिल्कुल लाइट्स है, लेकिन जिस तरह वो पेस करता है, उसकी पेस अभी तक डाउन नहीं, इवन इंजरी के बाद आया, साल हो गया 140 प्लस के पे जो बॉल करता है, जिस तरह इन स्विंग की है, ना स्मिथ के बल्ले पड़ी, ना लबस्टिन, ना एलेक्स कैरी, मतलब किसी को टिकने नहीं दिया, मतलब डे वन से डे फोर तक फुल डोमिनेट किया। और ये अच्छी अच्छा साइन है कि एशियन की टीम, इंडिया की टीम कह ले, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया या बांग्लादेश, एशिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया का गुरूर तोड़ा है, ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में होम ग्राउंड में शिकस्त दिया इन्हें। सर देखिए अगर बात करें मुसलसल इंडिया अपनी परफॉर्मेंस दे रही है, ऑस्ट्रेलिया के तो पैट कमिंस ने वो जेब माइंड में रखा होगा यार ODI की तरह ही परफॉर्मेंस देंगे, हमारा एज होगा क्योंकि हमारा होम ग्राउंड है, ये इन्हें ये नहीं पता था कि इंडिया जब पूरी तरह तैयारी करके आया, क्योंकि इंडिया ने बदला लिया भाई। पैट कमिंस का मुंह बंद कर दिया, पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने क्वेश्चन किया पैट कमिंस से कि भाई इफ यू वांट टू सेलेक्ट एनी इंडियन व्हिच विल बी, उन्होंने पूछा कि इंडियन प्लेयर अगर लेना चाहोगे वो कौन सा होगा, उसने कहा नो वन, तो उन्होंने बताया कि भाई नो वन कोई नहीं, यहाँ पे जसवीर जायसवाल है, के राहुल है, विराट कोहली है, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी है, मतलब कि हर बंदे ने स्कोर किया है, ठीक है। विकेटों की बात कीजिए, हतीश देखिए रितेश राणा नया टैलेंट है, डेब्यू था उसका, राणा ने भाई बेशक उन्हें 2-3 आउट किया, लेकिन जिस तरह ने बाउंसर बनाए लबस्टियन को समेत को, भाई किसी को समझ नहीं आ रही, 550 रन का पहाड़ खड़ा हो गया, ऑस्ट्रेलिया के दो बारी में तो आना भाई, इंडिया भाई डोमिनेट करता रहा, वस्त है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। देखिए रोहित शर्मा से हट के, रोहित शर्मा टीम में नहीं था, लेकिन फिर भी टीम 550 का टारगेट देख गई है। और भाई यही होती है मतलब के काबिलियत टीम की, भाई वो अगर सीनियर प्लेयर मिस कर रहे हैं, बाकी प्लेयर उसी तरह परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो अच्छा साइन है कि एशिया की टीम ने भाई ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया की होम ग्राउंड पर्थ में जो बड़ा मान था उनको वहाँ डिफीट किया, और इंडिया ने हिस्ट्री कायम किया, देखा पर्थ में तक कोई नहीं जीता, WTC के पॉइंट में पहले नंबर पे है। चले ये तो बात होगी इंडिया के डेब्यू की बात करें, इंडिया के डेब्यू नितेश रेड्डी की बात करें और राणा की बात करें, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने बैटिंग नो डाउट नितेश ने बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की, ऑलराउंडर बड़े अच्छे लगे। अगर सर अगर हमारा भी एक मैच था पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच, हमने क्या किया था, हमने तो कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, हम तो जीरो परफॉर्मेंस, हमारा भी न्यू टैलेंट है, यंग टैलेंट, हमारा यंग टैलेंट चला नहीं, हमारा जिम्बाब्वे के बाहर नहीं चला, इंडिया का लास्ट टाइम मैच हुआ था जिम्बाब्वे तो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस देके गया यार, हमारे प्लेयर जो ना पाकिस्तान ने हथी बोल लगाई है, मन मन की हथी लगाई है पाकिस्तान प्लेयर। देखे ना जिम्बाब्वे के खिलाफ यार 200 स्कोर खा गए, उन्होंने चेस कर रहे थे, वहां खेला 15-20 स्कोर किए, 60 बचे, और भाई अल्लाह लगा कि बारिश हो गई है, बच गए, बड़ा जरूरी 100 पे टीम आउट हो जानी थी भाई, बारिश है, हम फिर भी DLS के मैंने हार गए जिम्बाब्वे। देखे ना यार बाबर आजम शाहीन शाह इनको बाहर कर दिया है, हमारे नया टैलेंट हमारा जरूर आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता। देखिए गौतम गंभीर ने दो करके लड़के डेब्यू कराए, जायसवाल को डेब्यू कराया वो परफॉर्म कर गया, ठीक है, नीतीश कुमार वो परफॉर्म कर गया, नीतीश राणा को डेब्यू कराया वो परफॉर्म कर गया, पीछे मतलब सूर्य कुमार को लेके आए, अभिषेक शर्मा को लेके, मतलब जिसको लेके आते हैं भाई पहले प्लेयर को मैच्योर करते हैं, हमने प्लेयर को भाई प्लेयर को मैच्योर करो, प्लेयर को कॉन्फिडेंस दो, फिर लेके आओ। कामरान को नाम एक पिंडी में सेंचुरी करता है, यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। दूसरे मैच पे क्या हो रहा है, क्या इंडिया अपना दूसरा मैच विन करके ऑस्ट्रेलिया अपना कमबैक कर लेगा?
भाई ऑस्ट्रेलिया हमेशा जानी जाती है बाउंस बैक के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है, चैंपियन टीम है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इंडिया इनको आगे पीछे लगने देगा। भाई इंडिया ने इस टाइम पूरा ग्रुप कब्जा कर लिया इनके ऊपर, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को भाई जकड़ दिया, तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया इनको जल्दी इनके हाथ आने वाला है। इंडिया मेरा ख्याल है कि पहले तीन मैच तो कन्फर्म इंडिया के हैं, चौथे पाँचवें का मैं भी कोई नहीं कहूँगा, पहले तीन जीत के उन्होंने सीरीज जीत जानी है इंडिया। ओके बॉस, आज इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो बड़ा ग्रूर दिखा रही हो, पैट कमिंस इतनी बड़ी बड़ी दावे कर रहे थे, वो ओडीआई के अंदर उन्होंने दावा किया वो पूरा हो गया, इन्होंने फिर दुआ कर दिया दुआ, पैट कमिंस देख ग्रूर बड़ा दिखा रहे। देखें इस तरह का एक क्रिकेटर को इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसका जो गुरूर है वो चकना चूर हो जाए। ठीक है, कभी भी दुश्मन को अपना ना, अपने मुखालिफ को, दूसरे वाली टीम बंदे को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। भाई आपका होम ग्राउंड है हम मानते हैं, लेकिन होम ग्राउंड में इतना जलील हो रहे हो यार आप। 295 सर, आउटस्टैंडिंग भाई, आउटस्टैंडिंग जयसवाल, ओ भाई सैल्यूट है आपको भाई, इस तरह जवाब देते हैं, इस तरह खेलते हैं, इस तरह स्लैजिंग देखी थी यार, मिचेल स्टार्क का ये स्लो क्यों करा रहे हो भाई। मिचेल स्टार्क भाई दुनिया को रुलाता है पर्थ स्टेडियम के अंदर, उसको तो जयसवाल ने रुला दिया उधर, ठीक है, उसको तो विराट कोहली ने रुला दिया उधर, उसको तो केएल राहुल ने रुला दिया है। पेट कमेंट समझ नहीं आ रही कहाँ बोल करे, उनसे विकेटें नहीं ले जा रही, और उसके स्टेटमेंट देखो, दुनिया का सबसे बड़ा कैप्टन बन रहा है अपने आप में। तो भाई आप देखें, है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं कहता कि आप बड़े कैप्टन नहीं हो, आप बड़े लीडर नहीं हो, पेट कमेंट्स नो डाउट बहुत अच्छे बैट्समैन बॉलर हैं और बहुत अच्छे कैप्टन भी साबित हुए, लेकिन आपको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। आपने कहा कि मुझे इंडियन कोई नहीं चाहिए प्लेयर, मैं ऐसे ही, मुझे हमारी टीम ही बेस्ट है, हम ऐसे ही ठीक है। तो भाई देखें किस तरह आपको जयसवाल जैसे बच्चे ने जलील किया, विराट कोहली के फॉर्म नहीं आ रही थी, विराट कोहली को ललकाराया आपने, लड़काया आपने, तो फिर विराट कोहली आगे कमबैक करके, कमबैक ऐसा करो कि जो अगलों की नस्लें याद करें, वो विराट कोहली ने कमबैक किया। उसके बाद जसप्रीत बुमराह पे आएंगे यार, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग फॉर्म यार, आउटस्टैंडिंग, ये बंदा ना, इसको ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बना, ठीक है। मोहम्मद सिराज डीएसपी साहब, डीएसपी साहब ने 3-3 विकेटें, फिर बुमराह ने 3-3 विकेटें, फिर सर राणा की बात करेंगे, वो तो बंदा छा गया, वो आते न्यू टैलेंट डेब्यू में आके वो बिल्कुल, मुझे ऑस्ट्रेलियन टीम इतनी बेबस टेस्ट क्रिकेट के अंदर आज तक मुझे नहीं लगी थी, जितनी बेबस इस एक मैच में मैंने देखा है, बेबसी उनके चेहरों में। लबुशन कितना बड़ा टेस्ट बैट है, बहुत बड़ा सर, इतना बड़ा टेस्ट बैट है, वो बंदा हिल ही नहीं सक रहा, वो बंदा खेल ही नहीं सकता भाई, स्लेजिंग कर रहे हैं उसको, मोहम्मद सिराज जाके स्लेजिंग कर रहा है, विराट कोहली जाके स्लेजिंग कर रहा है, भाई वो बात ही नहीं कर रहा। वो ऑस्ट्रेलियन टीम जो स्लेजिंग करने में माहिर थी, वो ऊपर से इंडिया उनके ऊपर हैवी पड़ गई है, और उनका जो रवैया है वो अपने अंदर अपनाया हुआ है, विराट कोहली स्लेजिंग कर रहा है, कभी कौन स्लेजिंग, मजा आ रहा है स्लेजिंग चली गई। टेस्ट क्रिकेट में मजा इसी चीज का आता है, नहीं तो टेस्ट क्रिकेट पहले कहा जाता बड़ी बोरिंग है, कोई नहीं देखता, भाई ये स्लेजिंग होगी, इसी तरह का जोश होगा तो बंदा, हर बंदा देखने का दिल करेगा। देखें आप स्टीव स्मिथ इतना बेबस मुझे जिंदगी में कभी नहीं नजर आया, टेस्ट के बादशाह सर आ रहे हैं तो आगे पेड़ पे खा रहे हैं और जा रहे हैं बुमराह से, ठीक है, वही बस खाली विकेट छोड़ी हुई है और बुमराह साहब उड़ा उड़ा के मार रहे हैं। डब्ल्यूटीसी की अगर बात करें रैंकिंग में, आज इंडिया डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स में फिर पहले नंबर पे आ गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया कह रहे थे पहले नंबर पे आ गया आज मैच, मगर इंडिया बरकरार जो है पहले नंबर पे चल रहे हैं। बिल्कुल, इंडिया भाई नंबर वन है, नंबर वन रहेगा, आप देख लें उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, उनकी बैटिंग की हम बात करें, उनकी बॉलिंग की, उनके ऑलराउंडर्स की बात करें, उनके स्पिनर्स की बात करें, हर शूबे में इंडिया इस टाइम नंबर वन चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो आप इंडिया को कैसे कह सकते हैं कि भाई इंडिया नंबर वन नहीं आ सकते, इंडिया नंबर वन है और रहेगा उनका नंबर वन, उनके पास बॉलिंग सिराज जैसा आपके पास बॉलर हो, आपके पास बुमराह जैसा बॉलर हो, आपके पास अर्चर राणा जैसा बॉलर हो, जैसे भाई आज नितेश रेड्डी जैसा ऑलराउंडर हो जो कि भाई T20 खेल रहा हो टेस्ट क्रिकेट को, तो मैं समझता हूँ कि आप नंबर वन कैसे नहीं हो सकते, आप नंबर वन ही रहेंगे इस तरह की टीम को लेके, तो मैं समझता हूँ कि इंडिया डिजर्विंग है नंबर वन के लिए। ओके बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज हिस्ट्री का मैच हुआ और इंडिया जिस तरह आज विन किया 295 में, ऑस्ट्रेलिया की वो टीम जिसने ओडीआई में इंडिया को हराया उनके होम ग्राउंड वर्ल्ड कप विन करके, और पैट कमिंस ने बड़ी बड़ी अपनी स्टेटमेंट दी मैं के कितने लाख लोगों को चुप कराऊंगा, तो मगर आज ये हुआ कि उनके होम ग्राउंड पे आज उनकी ऑडियंस को चुप करा दिया और 295 से इंडिया ने विन कर लिया, क्या कहना चाहेंगे इंडिया की आज की विनिंग के वाले से? जी इंडिया ने बहुत अच्छा, लाइक एक तो पहली इनिंग्स में मुझे भी लग रहा था कि लाइक ये मैच ऑस्ट्रेलिया ले जाएगी, ऐसी है लेकिन फिर बाद में जब बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की बहुत कमाल की, लाइक जो भी उनका टॉप ऑर्डर तो उड़ा दिया मिनटों में, ट्रेविस हेड चले ना, मिचेल मार्शल, ट्रेविस हेड, हां पहली इनिंग में नहीं चले ना,
दूसरी में थोड़ा सा मुझे फिर लगा कि ट्रेविस हेड और वो जब उनकी पार्टनरशिप लगी मिचेल मार्श की, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा मतलब पास तो लेके जाएंगे ना, कि मतलब 400 तक कर जाएंगे। लेकिन फिर बुमराह ने आगे पहले दो विकेट ले गए, अगले तीन विकेट ले गए, उनके नितेश रेड्डी विकेट ले गए, उनके कोंडाना नाम का नाम है नया लड़का हर्षित राणा जो केकेआर में जो आईपीएल में परफॉर्मेंस, सर ये न्यू टैलेंट आगे डेब्यू करके अपनी परफॉर्मेंस भी दी, बॉलिंग में बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दी। मुझे बताया हमारा कल भी जिम्बाब्वे के साथ मैच है तो हमारे तो माशाल्लाह न्यू टैलेंट चला ही नहीं है वहाँ पे, यंग टैलेंट जैसवाल यंग टैलेंट ने आके पैट कमिंस को नहीं छोड़ा, मिचेल स्टॉक को नहीं छोड़ा। ये जब भी पाकिस्तान जिम्बाब्वे जाता है मुझे हर दफा यही लगता है कि बस ये हार जाएगा इधर। यार जिम्बाब्वे इतनी छोटी टीम है, चाहे छोटी है, लाइक उनके मुझे वो जो दो मेन फास्ट बॉलर है ना मुजरबानी और वो क्या कहते हैं ग्रावा, वो मुझे मतलब वो अच्छे लगते हैं ना, मतलब उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मतलब उनका एक्शन एक वैसा है पाकिस्तानी बॉलर से पिक नहीं होता एकदम उनका एक्शन और उनके आगे हमेशा आउट हो जाते हैं। चले ये तो चले बात है। सर एक मैंने वीडियो देखी थी उस पे, वीडियो पे आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पे, जैसवाल इतना कॉन्फिडेंस में वो मिचेल स्टॉक को कह रहे यार स्लो कर गया जा फास्ट करो, स्लो क्यों थक गए हो? हाँ मैंने देखा ये, इस पे क्या कहेंगे वो? जाहिर बात है जैसे अब वो ऑस्ट्रेलिया वाले जैसे वो करते हैं उनको स्लेजिंग वगैरह, स्लेजिंग तो इस दफा मैच पे यही स्लेजिंग का ही मैच चल रहा था मुझे तो लग रहा है क्रिकेट कम और स्लेजिंग ज्यादा चल रही है। सर आज WTC की रैंकिंग भी आ गई है, WTC की रैंकिंग में मुसलसल इंडिया अभी पहले नंबर पे है, क्या कहना चाहेंगे? पहले भी पहले नंबर पे, अभी फिर रैंकिंग आई है फिर पहले नंबर पे है। सर अगर बात करें इंडिया तो रैंकिंग से नीचे आ नहीं रहा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का नीचे, ऑस्ट्रेलिया दूसरा नंबर पे, इंडिया फिर मुसलसल पहले नंबर पे आ गया। अभी चार मैचेस पड़े हैं अभी, वो भी देखने बाकी हैं क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है ये बराबरी का होगा मैच और फाइनल भी इन दोनों के दरमियान ही होगा फाइनल। अच्छा अगले मैच में क्या कहेंगे, अगले मैच के क्या प्रेडिक्शन, अगले मैच में क्या होने जा रहा है? मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा, ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा। बुमराह करने देंगे कमबैक? बुमराह को अब उसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया को, या कोई बैट्समैन कोई सही ऐड करेंगे या खुद ही कोई तकनीक जो भी उसका इसकी तकनीक इस रह गई है स्टॉक की भी जी। चले WTC में पहले नंबर पे हम सबसे क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ सही है इनका, मतलब जो फाइनल हम देखेंगे वो फाइनल तो फिर ऑब्वियसली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ही होगा, ज्यादा चांसेस यही है। मे बी नीचे से कोई श्रीलंका अगर कोई जीतता है, मतलब वो भी आ रहा है ना ऊपर आ सकता है, अगर ऑस्ट्रेलिया लाइक 3-4 मैच हार जाता है इंडिया से तो ऑब्वियसली नीचे से कोई टीम ऊपर आएगी, नीचे से ऊपर आएगी हाँ, तो फिर उनके चांसेस फिर और ज्यादा मजा आएगा ऑस्ट्रेलिया।